हेलो व्हाट्सअप पब्लिक, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल DBM, बोले तो डायनेक बाय मोइन। सो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का मेरे छोटे से प्यारे से व्लॉगिंग चैनल पे। इसी के साथ गाइस मैं आप लोग को एक और न्यू जगह लेकर आया हूँ। ये जो न्यू जगह है ये तो मुझे मतलब पता थी इस बारे में, मैं आया था यहाँ पे 2 से 3 साल पहले। ये एक्चुअली एक गार्डन, इसे मुंबई का 7 वंडर्स गार्डन बोला जाता है, जो कि है मियर रोड में, वर्धमान फैंटेसी गार्डन का नाम है। तो मैं 2-3 साल पहले आया था, बट बीच में ये लॉकडाउन में पूरा बंद हो चुका था। तो अभी इसका रिसेंटली कुछ स्टार्ट हुआ है, 2 से 3 ही हफ्ता हुआ है इस गार्डन को वापस से स्टार्ट होके। तो वापस से ये सब नई चीज़ें उनकी स्टार्ट कर रहे हैं, सब बंद थी। तो मैं सोचा कि चलो एक यहाँ पे भी एक ब्लॉग बना दिया जाए एंड आपको भी इस बारे में बताया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे वैसे खास करके बच्चों के लिए, तो यहाँ पे आप बच्चों के साथ आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या नॉर्मल भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे झूले, यहाँ पे जो 7 वंडर्स है सेट है यहाँ पे, वो भी है। तो आपको मैं वो सब भी शो करता हूँ एंड यहाँ पे कौन से झूले वगैरह वो भी शो करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा कुछ एंट्रेंस है वर्धमान फैंटेसी गार्डन का, यहाँ से आपको एंट्री करनी होती है एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे टिकट लेनी होती है। टिकट जो कि बहुत ही सस्ता है, 2 रुपीज़ पर पर्सन, 2 रुपये का टिकट है यहाँ पे। एंड एंट्री करते ही आपको कुछ ऐसा फाउंटेन देखने मिलता है। फाउंटेन वैसे फ़िलहाल ये बंद है, ये रात के टाइम स्टार्ट होता है, बट बहुत ही ऑसम दिखता है ये फाउंटेन। आप देख सकते हैं बनाया भी काफ़ी अच्छा है इसे। एंड उसी के साथ आपको यहाँ पे अपने बच्चे लोग के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो जो रिमोट वाली कार होती है, जो बड़ी कार होती है जिसमें बैठ के घूम सकते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप जैसे आपने देखा बहुत सारे झूले यहाँ पे अवेलेबल है, ब्रेक डांस वगैरह, छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे झूले अवेलेबल है। लेकिन आपको इन सब का पहले टिकट निकालना पड़ता है। इन सब झूले को यूज़ करने के लिए आपको अलग अलग टिकट है। यहाँ पे आपको पॉपकॉर्न वगैरह, स्नैक्स वगैरह भी मिल जाता है। और यहीं पर बाजू में आपको क्रिकेट फुटबॉल के लिए टर्फ भी अवेलेबल है, जो कि आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पर बुकिंग करनी पड़ती है इस टर्फ के लिए। और जस्ट उसी के बाजू में काफ़ी अच्छा सा तालाब है। अब बारी है जो वंडर्स ऑफ मुंबई का जो सेट है उसमें एंटर करने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ पे टिकट आपको लेना पड़ता है। तो जैसे आप एंटर करते हो, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, तो जब पीपल फार्म करके यहाँ पे नर्सरी है, जहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के प्लांट्स वगैरह अवेलेबल है, जो कि आप यहाँ पे से परचेस कर सकते हो। आप देख सकते हैं ये सब प्लांट्स जो है यहाँ पे आप खरीदने के लिए रखे हैं।
सो ये था पब्लिक वर्धमान फैंटेसी गार्डन, जो कि वंडर्स ऑफ मुंबई गार्डन भी कहा जाता है। यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा जो वंडर्स थे, सेवन वंडर्स जो कि बोले जाते थे, वो सबके यहाँ पे अच्छे साइड बनाए हुए थे। तो बस यही था वो गार्डन। तो अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलता है आपको मेरे सीधा अगले ब्लॉग में।